रोशनी ने इंसान को हमेशा मुतासर किया है इंसान के पास कायनात को पढ़ने के लिए जो खवास यानी सेंसेस मौजूद हैं इनमें सबसे अहम इसकी देखने की क़वत है लेकिन इसको देखने के लिए रोशनी का सहारा लेना पड़ता है इसलिए इंसान सदियों से रोशनी को समझने की कोशिश करता आ रहा है अजीज़ तलवा हमारा आज का प्रोग्राम रोशनी के बारे में है रोशनी क्या है और इसके कवानी क्या हैं आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं रोशनी हमें किस सूरत में नज़र आती है जब हम आंखें खोलते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द मुख्तलफ़ चीज़ें नज़र आती हैं आखिर ऐसा क्यों होता है गौर करें तो हमारे सामने दो ही सूरतें हो सकती हैं या तो हमारी आँखों में से कोई चीज़ निकलती है इन चीज़ों से टकरा कर वापस हमारी आँखों में पहुँचती है और हमें इन चीज़ों के बारे में मालूमत फराहम करती है या फिर इन चीज़ों से कोई चीज़ निकलती है और हमारी आँखों में पहुँच कर इन चीज़ों के बारे में मालूम फराहम करती है ये समझने के लिए आइए एक अंधेरे कमरे में चलते हैं ये अंधेरा कमरा है इसमें कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही हालांकि इसमें कुछ चीज़ें मौजूद हैं आइए रोशनी या लाइट जलाकर देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं इससे हमें पता चला कि हमारी आँखों से कोई चीज़ नहीं निकलती जो इन चीज़ों से टकराकर हमें इनकी मौजूदगी का पता दे इसी तरह चीज़ों से भी कोई चीज़ नहीं निकलती जो इनकी मौजूदगी का पता दे इसलिए दोनों बातें ग़लत हुईं। इस कमरे में कॉर्नर या फायरप्लेस पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं इसमें यह तस्वीर है ये गेंद है और ये रेडियो है ये टॉर्च है टॉर्च को बंद करते हैं अब हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जब टॉर्च रोशन की गई तब भी टॉर्च के अलावा हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही अब जब टॉर्च का रुख फायर प्लेस की तरफ करते हैं ये तस्वीर है ये गेंद है और ये रेडियो है लेकिन फिर भी हमें कमरे की दूसरी चीज़ें नज़र नहीं आ रही इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें हमें अंधेरे में नज़र नहीं आ रही थी लेकिन जो ही इस पर रोशनी पड़ी वो हमें नज़र आना शुरू हो गई अज़ीज़ तलबा हमारे अब तक के मुशाहे से जो बात हमारे सामने आई है वो ये है कि कुछ चीज़ों से रोशनी निकलती है जबकि बाकी चीज़ें रोशनी को मुनक़स करती हैं यानी रोशनी को रिफ़्लेक्ट करती हैं यही वजह है कि हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं इसीलिए दिन के वक्त सूरज की रोशनी में हमें चीज़ें साफ़ दिखाई देती हैं जबकि रात के वक्त चीज़ें दिखाई नहीं देती जब किसी चीज़ पर रोशनी पड़ती है तो वो हमें नज़र आती है बाक़ी नज़र नहीं आती आइए इसको समझने के लिए एक तजर्बा करते हैं ये हमारे पास तीन कार्ड हैं जिनके अंदर सुराख किए गए हैं ये सुराख स्ट्रेट लाइन में है जो कि इस लकड़ी से ज़ाहिर है अगर इस कार्ड के ऊपर रोशनी डाली जाए तो ये रोशनी इन सुराखों में से होती हुई इस स्क्रीन पर पड़ती है जो कि दायरे की सूरत में आपको नज़र आ रही है अब अगर इनमें से एक कार्ड को भी अपनी जगह से हिला दिया जाए तो अब आपको रोशनी नज़र नहीं आ रही इससे सा, इस यह साबित हुआ कि रोशनी ख़ मस्तकीम में हरकत करती है अगर रोशनी ख़ मस्तकीम में ना हरकत करती होती तो ये कार्ड हटाने के बावजूद रोशनी हमें स्क्रीन पर ज़रूर नज़र आती अब अगर ये कार्ड अपनी जगह पर वापस ले जाया जाए तो हमें फिर रोशनी नज़र आनी शुरू हो जाती है इसका मतलब ये हुआ कि रोशनी ख़ मस्तकम में सफ़र करती है अजीज़ तलबा हमने ये असूल बनाया था कि ज़्यादातर चीज़ें अपनी रोशनी देने के बजाय रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं आइए अब इसको ज़रा गौर से देखते हैं ये एक आम आईना है जिसे हम अपने घरों में चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस किस्म का आईना तकरीबन रोशनी को मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट कर देता है जब हम इस पर रोशनी डालते हैं तो रोशनी आईने से टकराकर एक सिमट में चली जाती है जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है आइए इसको कार्ड की मदद से समझते हैं आने वाली शुआ को श्वाय या इंसिडेंट रे कहते हैं और टकरा के जाने वाली शुआ को श्वाय मुनकस या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं अगर इस सतह के ऊपर एक नॉर्मल या अमूद खींचा जाए तो वो ये होगा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो जाविया या एंगल बनाती है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं इस कार्ड से हमारे सामने दो बातें आती हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक नुक्ते पर वाक़ होती हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं ये दोनों चीज़ें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाती हैं ये थे लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन। ये तजर्बा हमने एक हमवार सतह के लिए किया था आइए अब देखते हैं कि ये खैर हमवार सतह के लिए भी सही है कि नहीं ये देखिए एक चमकदार कागज़ का एक टुकड़ा है आपको ये चमकता हुआ नज़र आ रहा है कुछ जगह से लेकिन कुछ जगह से ये चमक नहीं नज़र आती जिस जगह पर आपको चमक नज़र आ रही है इसका मतलब ये है कि इसका एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन इस जगह के ऊपर आपकी तरफ है जिसकी वजह से आपको ये रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है लेकिन जिन जगहों के ऊपर ये रिफ्लेक्शन आपको चमक आपको नहीं नज़र आ रही उस जगह के ऊपर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपकी तरफ नहीं है जिसकी वजह से आपको ये चमक नज़र नहीं आती ये मिसाल इरेगुलर रिफ्लेक्शन की है आइए इसको कार्ड की मदद से समझते हैं जब रोशनी एक गैर हमवार सतह पर पड़ती है तो ये हमें एक नुक्ते पर नहीं मिलती बल्कि लाइट बिखरी हुई मिलती है यानी क्या ये लॉ गैर हमवार सतह के लिए ग़लत है ग़ौर से देखें तो हमें पता चलता है कि ये लॉ हमवार सतह के लिए भी सही है जब लाइट एक गैर हमवार सतह पे गिरती है तो ये एक एंगल बनाती हुई रिफ़्लेक्ट हो जाती है अगर यहाँ पर एक नॉर्मल खींचा जाए तो ये पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन के बराबर है लेकिन लाइट जब खैर हमार सतह पर पड़ती है तो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन मुख्तलिफ होता है जिसकी वजह से हमें लाइट बिखरी हुई नज़र आती है अज़ीज़ तलबा अभी तक हमने लाइट को एक वास्ते में सफ़र करते हुए देखा आइए अब देखते हैं कि लाइट मुख्तलिफ़ वास्तों में किस तरीके से सफ़र करती है ये मेरे पास पानी से भरा हुआ एक बीकर है अगर मैं इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा डालूं, तो आप देख रहे हैं कि पानी के अंदर ये लकड़ी मुड़ी हुई नज़र आती है आइए इसको एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं ये ग्लास का एक स्लैब है जब इसके ऊपर एक सतह से रोशनी डाली जाती है तो ये इस ग्लास स्लैब में से होती हुई दूसरी तरफ से निकल जाती है आप देख रहे हैं कि ये एक तरफ को झुकी हुई है आइए इसको काट की मदद से समझते हैं यह शीशे का एक टुकड़ा है जिसके ऊपर एक तरफ से रोशनी डाली जा रही है डाले जाने वाली शुआ को श्वाय वाक्या या इंसिडेंट रे कहते हैं और इस शीशे के टुकड़े में से गुजर के जाने वाली शुआ को श्वाय इनताफ या रिफ्रेक्टेड रे कहते हैं जब ये शुआ रेरर मीडियम यानी एयर से डेंसर मीडियम यानी शीशे में दाखिल होती है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है और जब ये शुआ डेंसर मीडियम यानी शीशे से रेरर मीडियम यानी एयर में दाखिल होती है तो ये नॉर्मल से दूर हो जाती है आइए अब हम एक बार फिर बीकर का मुशाह करते हैं चूँकि लाइट रेरर मीडियम यानी एयर से डेंसर मीडियम यानी वाटर के अंदर दाखिल होती है इसलिए आपको लकड़ी नॉर्मल की तरफ मुड़ी हुई नज़र आ रही है जैसा कि पहले बयान किया गया है जब भी रोशनी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होती है तो वो अमूत यानी नॉर्मल से दूर हट जाती है इस सूरत में रिफ्रेक्टिव एंगल की वैल्यू इंसिडेंट एंगल की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होती है अगर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाएं, तो रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू भी बढ़ती जाती है यहाँ तक कि इंसिडेंट एंगल की किसी ख़ास कीमत यानी वैल्यू के लिए इसके मुतलका रिफ्रैक्टेड एंगल की कीमत 90 डिग्रीज हो जाती है इस सूरत में रिफ्रैक्टेड रे दोनों वास्तुओं को जुदा करने वाली सतह के साथ साथ चलने लगती है यानी रोशनी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होती है तो वो जाविया यानी इंसिडेंट एंगल जिसके मुतल रिफ़्लेक्टेड एंगल 90 डिग्रीज होता है तो ये ज़ाविया ज़ाविया फ़ासिल या क्रिटिकल एंगल कहलाता है जब डेंस मीडियम में इंसिडेंट एंगल की कीमत क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाए तो रोशनी अगले वास्ते में बिल्कुल दाखिल नहीं होती यानी रोशनी का रिफ्रैक्शन नहीं होता बल्कि रोशनी की तमाम श्वाएँ लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन के मुताबिक रिफ्लेक्ट होकर डेंस मीडियम में वापस लौट जाती हैं इसको कुली दावा इनकास या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं ये हीरे की एक अंगूठी है जो कि चमकती हुई नज़र आ रही है हीरे का क्रिटिकल एंगल बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जब इसके अंदर लाइट जाती है तो ये अंदर ही बार बार रिफ्लेक्ट होती रहती है और काफ़ी देर बाद बाहर निकलती है जिसकी वजह से हमें हीरा चमकता हुआ नजर आता है अजीज़ तलबा आपने अक्सर देखा होगा कि दिन में बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो आसमान पर मुख्तफ रंगों की लाइनें बन जाती हैं जिनको हम धनक या रेनबो कहते हैं क्या आपने कभी सोचा कि ये क्यों बनती हैं आइए हम आपको बताते हैं सूरज और इसकी रोशनी को हम रोज़ाना देखते हैं आप जानते हैं कि ये रोशनी सफ़ेद रंग की होती है दरअसल ये रोशनी मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनी होती है आइए ये, ये देखने के लिए हम एक तजर्बा करते हैं ये शीशे का एक प्रिज्म है जिसके ऊपर बल्ब की रोशनी डाली गई है आइए देखते हैं कि इस प्रिज्म में से गुजरने के बाद यह रोशनी कैसी नजर आती है आप देख रहे हैं कि यह रोशनी मुख्तलिफ रंगों में तकसीम हो गई है मुख्तलिफ रंगों में तकसीम होने के इस अमल को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं और लाइट के इस मजमू को स्पेक्ट्रम कहते हैं सफेद रोशनी मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल होती है इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लेंथ मुख्तलिफ़ होती है यही वजह है कि जब ये लाइट प्रिज्म में से गुज़रती है तो ये डिस्पर्स हो जाती है लाइट का ये स्पेक्ट्रम सात रंगों पर मुश्तमिल होता है ये सात रंग तरतीब के लिहाज से ये हैं सुर्ख, नारनजी पीला सब्ज़ नीला आसमानी और बनफशी। आइए एक बार फिर धनक यानी रेनबो की बात करते हैं रेनबो सूरज की शुआव से कुदरती तौर पर बनती है बारिश के बाद बारिश के छोटे छोटे कतरे बुलंदी पर मौलक हो जाते हैं जब इन कतरों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये कतरे प्रिज्म की तरह अमल करते हैं और सूरज की इस रोशनी को उसके सात रंगों में मुंतशिर कर देते हैं इस तरह से हमें सात रंगों की खूबसूरत धनक मिलती है धनक में मौजूद सात रंगों को हमने इस कार्ड के ऊपर पेंट किया है अगर इस कार्ड को बहुत ज़ोर से घुमाया जाए तो आपको सफ़ेद रोशनी नज़र आएगी जिसका मतलब ये हुआ कि ये सात रंग सफ़ेद रोशनी बनाते हैं या फिर सफ़ेद रोशनी इन सात रंगों पर मुश्तमिल होती है आइए अब रोशनी की वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं रोशनी की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसकी पैमाइश बहुत मुश्किल है मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने रोशनी की वेलोसिटी मालूम करने के लिए बहुत से कामयाब तजर्बे किए फोकोल्ट नामी एक साइंसदान ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अमल को इस्तेमाल करते हुए रोशनी की विलासटी निकाली जो कि थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर्स पर सेकेंड है दुनिया में कोई भी चीज़ रोशनी या इससे ज़्यादा वेलोसिटी से हरकत नहीं कर सकती अजीज़ तलबा आइए अब हम रोशनी की नौीयत यानी नेचर के बारे में गुफगू करते हैं रोशनी की नेचर बहुत ही दिलचस्प है इसके मतलक थ्यूरीज साइंस की तरक्की के साथ साथ तब्दील होती गईं सबसे पहली थ्यूरी ज़राती नज़रिया यानी कॉरपोसलर थ्योरी ऑफ लाइट थी जो कि सेवनटीन सेंचुरी में न्यूटन ने पेश की इस नज़रिए के मुताबिक रोशनी छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होती है ये जरात ज़रत मस्तकम में हरकत करते हैं इस तरह से रोशनी की ये खसूसियत कि वो ख़त मस्तकीम में हरकत करती है इस नज़रिए के हिसाब से सही होती है इसी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तस्वर भी इस नज़रिए की रोशनी में किया जा सकता है आपने बिलियर्ड का खेल देखा होगा जब बिलियर्ड की गेंद को स्टिक की मदद से ज़र्ब लगाते हैं तो वो जिस एंगल से बोर्ड के किनारे को लगती है दूसरी तरफ वही एंगल बनाती हुई वापस चली जाती है इस तरीके से लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन इस नज़रिए की रोशनी में सही साबित होते हैं लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस नज़रिए की रोशनी में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इस फिनमना को एक्सप्लेन करने के लिए ह्यूगन्स नामी एक साइंसदान ने एक और नज़रिया पेश किया जिसको वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहा जाता है इस नज़रिए के मुताबिक रोशनी तोानाई की एक किस्म है जो मौजों की सूरत में हरकत करती है इस ज़माने में यह खयाल भी किया जाता था कि मौजों की पैदावार और सफ़र के लिए एक वास्ते यानी मीडियम की ज़रूरत होती है इस तरह से सूरत से आने वाली रोशनी की इशात के लिए एक फ़र्जी मीडियम तस्वूर किया गया जिसको ईथर का नाम दिया गया ये तसवर किया जाता था कि ईथर तमाम कायनात में फैला हुआ है 19वीं सदी के वस्त में एक जर्मन साइंसदान मैक्सवेल वेव थ्योरी ऑफ लाइट की वजाहत की और ये कहा कि लाइट वेव्स असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसके बाद दो अमेरिकी साइंसदान माइकेलसन और मॉरले ने ईथर की गैर मौजूदगी साबित की बीसवीं सदी के शुरू में ये मालूम हुआ कि अगर एक धात पर मुनासिब रोशनी डाली जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं इस अमल को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का नाम दिया गया फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को वेव थ्योरी ऑफ लाइट की मदद से एक्सप्लेन ना किया जा सका इसलिए आइंस्टाइन ने रोशनी की नेचर के बारे में एक इनकलाबी नज़रिया पेश किया इस नज़रिए की बुनियाद मैक्स प्लैंक के क्वांटम के नज़रिए रखी गई थी इसलिए इस नज़रिए को क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का नाम दिया गया इस नज़रिए के मुताबिक रोशनी तवनाई की एक किस्म है जो कि तवनाई के पैकेटों की सूरत में जजब और ख़ारिश होती है तवनाई के इन पैकेटों को फोटोन का नाम दिया गया है फोटोन खास फ्रीक्वेंसी के होते हैं और इनकी तवनाई का कासार उनकी फ्रीक्वेंसी पर होता है रोशनी के कुछ मज़ाहिर ऐसे हैं जिनकी वजाहत वेव थ्योरी ऑफ़ लाइट की मदद से की जा सकती है जबकि कुछ तजर्बात वेव थ्योरी ऑफ लाइट की मदद से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की मदद लेनी पड़ती है इससे साबित हुआ कि लाइट दोहरी यानी डुअल नेचर की मालिक है ये इसकी वेव और पार्टिकल नेचर हैं इन दोनों नज़रियों की मदद से डिस्पर्शन पोलराइजेशन डायफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस के फिनना पूरे तरीके से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं जो अमल एक नज़रिए से वाज ना हो उसको दूसरे नज़रिए से वाजे किया जा सकता है अजीज़ तलबा आइए अब हम आज के प्रोग्राम के अहम नुकात को दोहराते हैं इन दोनों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं नंबर एक अमूद यानी नॉर्मल श्ए वाक़ यानी इंसिडेंट रे और श्ाय मुनकस यानी रिफ्लेक्टेड रे एक नुक्ते पर वाक़ होते हैं नंबर दो जाविया वक़ू यानी इंसिडेंट एंगल और जाविया इनकास यानी रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में बराबर होते हैं लॉ ऑफ रिफ़्रैक्शन ये है जब रोशनी लतीफ़ वास्ते यानी रेयर मीडियम से कसीफ़ वास्ते यानी डेंस मीडियम में दाखिल होती है तो वो अमूद यानी नॉर्मल की तरफ़ झुक जाती है और जब कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते की तरफ़ जा रही होती है तो वो अमूद यानी नॉर्मल से दूर हो जाती है रोशनी सात रंगों पर मुश्तमिल होती है रोशनी डुअल नेचर की मालिक होती है यानी वेव और पार्टिकल नेचर और रोशनी की वेलोसिटी 3 इंटू टेन टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड है अज़ीज़ तलबा हमारा आज का प्रोग्राम रोशनी पर मुश्तमिल था अब इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज